मैं फिर कहूँगा कि आपको ये फील करने के लिए राहुल गीते बनना पड़ेगा, आया कि नहीं समझ में? क्यों? क्योंकि आज कितना खुशी का दिन है, आज हमने 8 वर्ष पूरे करे हैं। और ये 8 वर्ष ऐसा समझिएगा कि कोई व्यक्ति जिसमें जिस जब आप में से कोई बोलता है कि अरे सर ने ये बात बोल दी अच्छा लगा, सर ने वो बात बोल दी अच्छा लगा, तो भाई मैं भी जो है वो इतना पुरातन नहीं हूँ, आया कि नहीं समझ में? मैं भी यंग ही हूँ, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं हूँ, आया कि नहीं समझ? तो फिर मैं क्यों अपने आप को ऐसा महसूस करवा सकूँ कि मैं कुछ कर सकूँ? वो सब इन लोगों की बदौलत होता है, इन लोगों ने आज आकर के जिसको कहना चाहिए मुझे फिर ऊर्जा दे दी। और ऐसे ही जैसे आप एक सफलता के लिए मेहनत करते हैं, हम भी अपने एक रास्ते पर चल रहे हैं, और उस रास्ते पर आप लोगों का साथ जो होता है वो या तो सफ़र को जो है वो सरल बना देता है या तो सफ़र को कठिन बना देता है। अब यही एक चीज़ है जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ भूमिकाएँ निर्धारित करते हैं, क्योंकि आज 16 फरवरी का दिन है और स्थापना दिवस है, इसीलिए कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के बारे में वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। क्या सुनना चाहते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात शुरू होती है जब मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता था, और उसके बाद में एक स्टूडेंट थे किशोर नगर में रहते थे, 10x10 के कमरे में 2 लोग, और उन लोगों के कमरे में जो है हम लोगों ने ये एक कहानी शुरू करी कि भाई उनको कुछ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना था, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी थी, और मैं जूनियर इंजीनियर उस वक्त 2013 के करीब करीब की बात है कि रिटर्न मैंने निकाला था, और मेरे को भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो सकता है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मेहनत अच्छी की जाए तो हो सकता है। सो दैट उस वक्त हम लोगों ने एक कहानी शुरू करी, एक 10x10 का कमरा था, पहले 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, फिर 10 आए, इस तरीके से। पहले बहुत सारे लोगों को जेई का मतलब भी नहीं पता था, उनको ऐसा था कि जेई एग्ज़ाम ही होती है, फुल फॉर्म नहीं होता, जेई ये एग्ज़ाम है, जूनियर इंजीनियर, आया कि नहीं समझ में? जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर की एसएससी में एग्ज़ाम होती है, हर साल होती है, मैकेनिकल स्ट्रीम से। तो हम लोगों ने उसकी तैयारी शुरू करी, बहुत सारे लोगों ने मेहनत करना शुरू करा, फिर उसका रूम से शुरुआत हुई, उसके रूम से शुरुआत हुई तो उसका जो है वो रूम छूट गया, फिर हमने एक स्टूडेंट का और रूम पकड़ा। सो दैट तब मेरे पास में गाड़ी तो थी नहीं, तो मैं साइकिल से निकलता था घर से, अपने घर से, और फिर अब रूम लिया गया था कहाँ पे, अपने माता चौक के पास में एक स्टूडेंट थे, बी के ही स्टूडेंट थे, तो उनको हम पढ़ाते थे, तो उनके घर जाओ, 2-3 बच्चे लोगों को वहाँ पर पढ़ा दो, फिर वापस आ जाओ, ऐसे कहानी शुरू हुई। इतने सिंसियर नहीं थे कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी ये मंडली सज जाएगी, हमको नहीं मालूम भाई। और ऐसा धीरे 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 होता रहा, फिर हमने लिया आनंद नगर में एक छोटा सा मकान, रेंट था 4,500 रुपये, आया कि नहीं? 4,500 रुपये रेंट, आप लोग सर इतने ऐसे एक्सप्रेशन से कहीं को बोल रहे हो, क्योंकि तब 4,500 रुपये मतलब ऐसा लगता था अरे बाप रे कहाँ से आएंगे महीने में, कैसे किराया भरेंगे, लेकिन शुरू से ईश्वर ने काम दिया तो मदद भी करते रहे। एक कमरा लिया, एक कमरे में पढ़ाई होती थी, बाकी 2 कमरे में मैंने मेरे मित्र मिथुन बोले दोस्त है मेरे, उनके 2 भाइयों को रखा, और उसके बाद में जिसको कहना चाहिए वो रात भर वहाँ पहरेदार के तौर पर रहते थे, आया कि नहीं समझ में, और सुबह हम वहाँ क्लास लेते थे। तो इस तरीके से क्लास की शुरुआत हुई, आनंद नगर में 2रा पड़ाव हमको हासिल हुआ, 3रा पड़ाव बड़े बम पे आया, तब हमको एक करीब 528 वर्ग फीट की जगह मिली। तो बिल्कुल अभी मैं भावुक नहीं हुआ हूँ इतना, बस मैं पानी पी रहा था गला का। तो भाई पहले ऐसा होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, पहले यदि ये कार्यक्रम होता ना तो अभी तक तो मैं 5 बार रो चुका होता, आया कि नहीं समझ, और ऐसा होता भी था। बाकी फिर क्या हुआ कि आदमी धीरे धीरे समझता है चीज़ों को,
तो वैसे हम भी थोड़े समझदार हुए हैं धीरे धीरे, क्योंकि लगा बहुत कुछ है यहाँ पर। एक इन बड़े बम पर रूम था, बड़े बम पे हमने फिर इंस्टीट्यूट को व्यवस्थित चलाया। और दूसरी बात क्या है कि मैंने जैसे हमेशा कहा है कि यहाँ पर आप मुझे चिल्लाते हुए ज़्यादा देखते हैं, उसका कारण है, यस सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुन सुन सकते हो। चिल्लाता क्यों हूँ मैं, क्यों चिल्लाता हूँ, क्योंकि गुस्सा इस बात का रहता है कि हम वो लोग नहीं हैं जो हमें समझा जाता है, हम वो लोग नहीं हैं जो कि उस लिए काम करते हैं कि बस ये नई चीज़ खरीद ले, वो नई चीज़ खरीद ले। आज भी हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में जाता है। आज भी कल जिन लोगों ने हम सबके साथ में मिलकर सफाई करी यहाँ पे, आया कि नहीं, उनको पता है कि सारी बेंचें यहाँ आ गई हैं, अब इंस्टीट्यूट में कहीं बेंच नहीं है, अब यही बेंचें कहीं और चली जाएंगी, आ रहा है समझ में। बस यही जुगाड़ आज तक चलती आई है इंस्टीट्यूट में, और इसने हमें यह सिखाया कि छोटे रहने पर काम बहुत अच्छे से हो सकता है, बड़े होने पे आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। हमको ये एहसास ऊपर वाला करवाते रहता है, वो कभी हमें एक मुकम्मल माहौल काम का नहीं देता। मैं एक साफ बात कहूँ, हमको कभी मुकम्मल माहौल नहीं मिलता काम का, हम बहुत संघर्ष करके काम करते हैं, और मैं इसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत जल्दी ऊपर नहीं बढ़ा दिया। यदि बहुत जल्दी बढ़ा देता ना, तो आज इतने से शहर में इतने सारे लोग एक जगह नहीं बैठे होते इस तरीके से। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, वरना किसी को आज फुर्सत नहीं है, आया कि नहीं समझ में। हम तो इनको सिर्फ नाश्ता करवाएंगे भाई, मिलेगा, समझ रहे ना, समझिए, सिर्फ नाश्ता, ना तो हम इनके लिए कुछ विशेष कर पाएंगे ना कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल दिल से। ये हमने एक पारिवारिक रिश्ता जोड़ दिया, ऐसा समझ लीजिए कि अब ये हमारे हो गए, ये हम इनके हो गए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं, उनके साथ में एक ऐसा संबंध बन चुका है अब कि यदि उनका एक आध महीने में, दो महीने में फ़ोन ना आए तो मेरा जरूर चला जाएगा। मेरा ना भी जाए दो महीने में, तो पाँच महीने में तो कभी तो याद आ ही जाएगी मेरे को, और याद तो ऐसी होती है कि रोज आ जाती है। किसी न किसी क्लास में मैं किसी सूरज का नाम ले रहा होता हूँ, कभी अखिलेश का, अब कुछ नए नाम जुड़ गए हैं, यामिनी, अंकित, है कि नहीं, सभी के सभी, नान सिंह, सबके नाम जुड़ गए, तो ये नाम आते रहते हैं याद, बस इनके पास में जाने का मौका नहीं मिलता। तो ये अभी तक की भूमिका थी, और हम यहाँ पर 2019 में आए थे, और 2019 में इस इंस्टीट्यूट को हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया इस जगह पर, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है मैं मानता हूँ, वैसे सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन समय के साथ सब जुड़ते चले जाते हैं, और मैं समय को पूंजी मानता हूँ रिश्तों की, तो रिश्तों की पूंजी जो है समय के साथ में और समृद्ध होती चली जाती है। तो हमारी इसी तरीके की एक समृद्ध पूंजी हमारे जयराम सर बैठे हैं, इनके लिए जोड़कर ताली बजाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से जयराम सर को नहीं जानते हैं, सो दैट हम लोगों ने साथ में बीए किया है मैकेनिकल से, और एक व्यक्ति जिसको मैं सबसे डेडिकेटेड पर्सन मानता हूँ अपने लाइफ में, एक नहीं, यहाँ सब डेडिकेटेड हैं, सब के सब की अलग कहानियाँ हैं, लेकिन सबको मैं अपना अपना महत्व दूंगा। कि एक वक्त था कि मैं तैयारी कर रहा था, नौकरी छोड़ चुका था हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड में, फिर तैयारी करते हुए कुछ ऐसा समय आया कि मेरे एक दोस्त जो अहमदपुर खेगांव में रहते हैं, हरी राम पटेल, उनकी शादी थी, और उस दिन जयराम सर मेरे को मिले, और जयराम सर से मैंने पूछा, भाई जयराम सर कहाँ काम कर रहे हो, तो बोले वहीं जहाँ कर रहे थे। तो मैंने लगा क्या बात कर रहे हो, अभी तक कर रहे हो तुम, यार तुम कंपनी को छोड़ नहीं रहे हो कि कंपनी तुमको नहीं छोड़ रही, क्योंकि मैं जानता था कि ये कुछ नहीं कमाते वहाँ पर, और इतना स्ट्रगल करके काम करते थे, मेरे को मालूम है कंपनी कुछ नहीं देती थी, लेकिन इनका डेडिकेशन जो था काम के लिए, बाप रे बाप, कूद कूद के सीखना, हर चीज़ को करना खुद से, फोर्जिंग आप समझते नहीं हो, यदि फोर्जिंग मटेरियल को कंस्ट्रक्ट करने का काम होती है, कास्टिंग, फोर्जिंग, मैकेनिकल चीज़ों को बनाने का प्रोसेस होता है, ये सीखते थे और काम करते थे, सुबह जा रहे, शाम को आ रहे, कुछ मिल नहीं रहा है,
मेरे को आश्चर्य होता था ये क्यों करते हैं। ये इनका संयम था, ये इनका एक नेचर था, और इन्हें जो मिलना चाहिए था ईश्वर ने अभी भी इनको नहीं दिया है, लेकिन जरूर देगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ 100%। बोले सर आप गारंटी देने वाले कौन होते हो? देखिए हम वो लोग हैं जो दिल से काम करना पसंद करते हैं। हमने कोशिश कर ली मक्कारी करने की, इस बात को समझिएगा, और ये बात मैं असिस्टेंट से कह रहा हूँ, हमने मक्कारियाँ करने की कोशिश कर ली, और ये बात समझिए कि मेरे को कभी जब गुस्सा आता है ना, तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग जब ख़राब हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ कि अरे यार जान दो, दुनिया जैसी चल रही अपन भी वैसे ही चलाएंगे, मरे सत्यानाश हो, किसी का हो तो हो, साले हम मरे जा रहे काम कर करके, हमारी क्यों नहीं कोई सुन रहा। और इनको मालूम है कि मैं आधे घंटे बाद आके बोलने ही वाला हूँ कि क्वालिटी पे ध्यान देंगे क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे, और ये मेरी बात तो गंभीरता से सुनते भी रहते हैं। हाँ हाँ बोलते रहो, तुमने बदलना ही है फिर तो हमने मक्कारियाँ करके देख ली, हमसे नहीं हो पाती। और जिसका प्रमाण ये है कि हम छोटी सी जगह में भी एक छोटा सा मुकाम हासिल कर पाए। तो इसीलिए मैंने जयराम सर के बारे में बताया कि जब मैंने उनसे ये क्या कहा कि अरे यार तुम इतने दिन से काम कर रहे हो, तो मुझे लगा इनको बुरा लग गया, फिर ये चले गए इंदौर और मैं चला गया कहीं अपने जगह पे। फिर मैंने इनको फ़ोन करा, मैंने भाई जय यार तेरे को बुरा तो नहीं लगा कहीं? मेरे को आज भी वो एहसास है। तो जय बोलता काहे का बुरा? तो मैंने लगा यार तेरे को ऐसा बोल दिया हाँ, तो क्या हुआ? मैंने लगा नहीं यार मेरे को लगा कि ऐसा मैंने गलत तो नहीं कह दिया सबके सामने। बोले नहीं मैं तो करता हूँ, और मैं जब करता हूँ तो उसमें क्या है, तूने वही बोल दिया। एक समय आया जब हमने फिर साथ में एक काम शुरू करा, और हम लोग लीगल लोग हैं, हम इलीगल लोग नहीं हैं। तो बकायदा हम एक ऑटोकैड करके सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिसकी पूरी कमांड जयराम सर के हाथ में है, और जयराम सर जो है उसको बहुत बखूबी तरीके से चलाते हैं। आज भी लोग सर्टिफिकेट खरीदने आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जयराम सर सर्टिफिकेट बेचते नहीं हैं। सीखो, पैसा दो, मेहनत करवाओ और फिर सर्टिफिकेट लेके जाओ। आ रहा है समझ में? इसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। आ रहा है समझ में? आप में ईमानदारी का बीज होना चाहिए अंदर की तरफ, और हम इसीलिए चिल्लाते फिरते रहते हैं। हम एक जैसे लोगों से तो घिरे हुए हैं। मैं बेईमानी करूँगा तो देख लूँगा ना जयराम सर को, तो मेरे को फिर से बेईमानी होने नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जयराम सर और हमारा साथ आगे बढ़ता चला गया। बहुत परिस्थितियाँ ख़राब आ जाती हैं, इतनी इतनी गंदी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि गलत फहमियाँ जीवन बर्बाद कर देती हैं। आया कि नहीं समझ का, समय का बहुत बड़ा फेर होता है। लेकिन जो भी ख़राब समय आया हमने बड़ी मजबूती से बिताया, और आज भी जो है ये तो मेरे मित्र हैं, मेरा दोस्त है।